ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने भी मनीष सिसोदिया के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे सिख समुदाय भड़क गया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनीष जी के खिलाफ जो केस है उसको कूड़े के बस्ते में डाल देना चाहिए, कोई केस ही नहीं है। उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर करके प्रताड़ित किया जा रहा है। एक गवाह ने हाई कोर्ट में ये दाखिल किया है कि उसके दोनों कानों की हियरिंग चली गई। इतना उनका प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोलो। शांति से प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक हक है, पर फिर भी धक्का देके गिराया, मेरी पगड़ी उतारी गई। हमारी मांग है कि जो भी दोषी लोग इसमें हैं, उन सब के ऊपर 295 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मैं माफी मांगूंगा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा गर्म है। आज दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उग्र प्रदर्शन कर उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने भी मनीष सिसोदिया के समर्थन में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने मिसयू सिसोदिया के बैनर लहराते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। देखिए मनीष जी के खिलाफ जो केस है उसको कूड़े के बस्ते में डाल देना चाहिए, कोई केस ही नहीं है। झूठा इल्जाम लगाया है। अब ये भी क्लियर हो गया है कि जो गवाह है उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर करके प्रताड़ित किया जा रहा है। एक गवाह ने हाई कोर्ट में ये दाखिल किया है कि उसके दोनों कानों की हियरिंग चली गई। इतना उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोलो। तो क्लियर है कि मोदी जी के पास कोई केस नहीं है, जबरदस्ती मनीष जी को अंदर किया है। जब तक मनीष जी को नहीं छोड़ेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा हुआ कि सिख समुदाय ने बीजेपी पर पगड़ी के अपमान का आरोप लगा दिया। सिख नेताओं का कहना था कि जो लोग पगड़ी उछालने के जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। कैनन चलाओ, आप डंडे बरसाओ, पर आप किसी सरदार की पगड़ी नहीं हाथ लगा सकते। आपकी इतनी बदमाशी होगी, वो जनरल सिंह MLA की पगड़ी उतार दी आपने। भाई ये क्या बात हुई, ये आप पगड़ी को टारगेट करोगे? जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाया, धर्म की रक्षा करी गुरु ने, आप उसकी पगड़ी उठा लोगे? ये गलत है। आप ये जितने भी हमारे भाई हैं पुलिस वाले, इनसे भी पूछ लो अगर ये गलत बोल दे, अगर ये बोल दे कि सही किया, बिल्कुल गलत है। पगड़ी को हाथ नहीं लगा सकते आप। अगर मोदी जी भी जाके गुरुद्वारों में मत्था टेके देखते हैं, सिखों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर सही में वो सिखों से नफरत नहीं करते तो आज सख्त कार्रवाई का निर्देश देंगे। मनीष सिसोदिया जी की फर्जी गिरफ्तारी के विरोध में सब बड़ी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने इनको बोला भी था शांति से प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक हक है, पर फिर भी धक्का देके गिराया, मेरी पगड़ी उतारी गई। सब इस चीज को जानते हैं, सारे इस चीज के गवाह हैं। ये भूल चुके हैं इस पगड़ी की कुर्बानी इस देश के लिए। ये अगर इस इतिहास को बदलना चाहते हैं तभी सफल नहीं होंगे। किसान आंदोलन से आज तक मोदी जी की जो नफरत है सिखों के प्रति वो खत्म नहीं हो रही और उसी एजेंडे पर चलकर आज ये कार्रवाई हुई है। हमारी मांग है कि जो भी दोषी लोग इसमें हैं, उन सब के ऊपर 295 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बहरहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पगड़ी के अपमान का आरोप लगाते हुए मामले में सिख संगत के अपमान को भी जोड़ दिया है। दोनों तरफ के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि दिल्ली की जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है राजनीति का तापमान भी बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर